विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में भोपाल आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तय किया गया कि शराब की दुकान 10 बजे तक और खुलेंगी, लेकिन बाकी बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएगा। विवाह समारोह में भी अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, कलेक्टर अविनाश लवानिया, DIG इशादवली, पूर्व मंत्री एवं विधायक PC शर्मा, विधायक विष्णु खत्री शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 एवं खुले में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के लिए अब सख्ती की जाएगी। हॉल में समारोह हो या खुले स्थान पर मास्क के बिना कार्यक्रम स्थल पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कार्यालयों में भी बिना मास्क के प्रवेश वर्जित किया जाएगा। भोपाल में रात 8 बजे तक बाजार बंद करने व्यापारियों से जिला प्रशासन संवाद करेगा। शराब की दुकानें रात्रि 10 बजे बंद की जाएंगी। जिस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट हमारी बैठक हुई है, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे, पूर्व मंत्री PC शर्मा जी, विधायक विष्णु खत्री जी, हम लोग बैठे थे, कलेक्टर साहब थे, DIG साहब थे, जिला चिकित्सा अधिकारी थे, नगर निगम आयुक्त थे। जो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन पर हम लोगों ने अधिकतर सहमति व्यक्त की है। लेकिन भोपाल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भोपाल के जो व्यापारिक संगठन हैं, इनने स्वयं होकर जिला प्रशासन से मिलकर अपनी तरफ से 8 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी व्यापारिक संगठनों को हमने सामूहिक रूप से धन्यवाद दिया है, क्योंकि उनने संक्रमण रोग को पहचाना है और संक्रमण रोग की जो मार है, उस मार से आमजन को बचाने के लिए जो व्यापारिक संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, भावना व्यक्त की है 8 बजे प्रतिष्ठान बंद करने की, उस पर हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया है। नंबर वन, शादी ब्याह के ये सब सीजन शुरू हो गए हैं, अधिकतम एक अगर जगह कम है, हाल है 100 और अधिकतम 200 लोगों तक की शादी के विचार पर संख्या पर विचार किया गया है। और मास अनिवार्यता है, ये जो मास है, मुझे भी आपसे बात करते समय लगाना चाहिए, इसलिए मैंने भी लगा लिया। अब मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, दुकान पर व्यापार करना हो, दुकान से सामान खरीदना हो, सब्जी बेचना हो, बेचने वाला भी लगाएगा, सब्जी खरीदने वाला भी लगाएगा, बल्कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो जहां है, सबसे बड़ी सुरक्षा सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता। इस समय इस संक्रमण को, सर्दी को ध्यान में रखते हुए, जैसे तेज फैल रहा है, संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में आ गया, दिल्ली की हालत आपके और हमारे सामने नाजुक है, भोपाल में इस संक्रमण को लेकर हम और आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।